मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्रिबलाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर नेगेटिव रहेंगे तो हमेशा तकलीफें झेलते रहेंगे। मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रखें। समय बुरा चल रहा है, जिंदगी बुरी नहीं है, है ना। अभी समय अगर बुरा चल रहा है तो कोई बात नहीं है। अगर आप जिंदगी को नफरत करेंगे तो जिंदगी आपको तकलीफें देगी। समय बुरा होता है दोस्तों, वक्त बुरा होता है, जिंदगी बुरी नहीं होती है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ठीक है। उसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण का समय ऐसा होता है दोस्तों, ग्रहण का जो काल होता है, इस समय यदि कोई उपाय किए जाते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारिक रूप से फल देते हैं। मैं आपको अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां ज्योतिष शास्त्र की जो आप कर सकें, जिनमें आपका कोई पूजा पाठ तंत्र मंत्र ना करना पड़े, इजिली आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो सके, तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां प्रसारित करता रहूंगा। अगर आप लोग इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरे तक जो जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप लोग का भी फर्ज बनता है, आप लोग तक जानकारी पहुंच रही है, आप लोग और लोगों तक पहुंचाइए। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदार में, सब जगह शेयर करिए। अच्छी जानकारी दोस्तों शेयर करना अच्छी बात है, धर्म का काम है, पुण्य का काम है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सूर्य ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण जब पड़ रहा है, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण के बाद में आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। आपकी धन संबंधित परेशानी, ग्रह कलेश जो भी है, माता लक्ष्मी जिस घर में वास करती हैं उस घर में हमेशा संपन्नता बनी रहती है, अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। घर का हर सदस्य चौतरफा विकास करता है, हर सदस्य की उन्नति होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली होती है। माता लक्ष्मी का सिर्फ ये स्वरूप नहीं है कि सिर्फ धन प्रदान करना, अगर आपका कोई गोल्स, आपका कोई लक्ष्य है, कोई आपकी मनोकामना है, तो वो भी पूर्ण कराती है माता लक्ष्मी, क्योंकि माता लक्ष्मी के नाम का अर्थ है लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली देवी, है ना। तो आपके घर में धन की, धन संपदा की भी परिपूर्णता रहेगी, अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, जो आपके लक्ष्य है, जो आपके काम है, वो हमेशा पूरे होते रहेंगे, ठीक है। एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आपको क्या करना है, जब ग्रहण काल खत्म हो जाता है, सूर्य ग्रहण काल जब स्टार्ट होगा और जब खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, एक कटोरी में आपको चावल, एक कटोरी में आपको आटा, ठीक है, और एक कटोरी उड़द, खड़ी उड़द या दाल, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी, श्री हरि भगवान विष्णु की फोटो है तो ठीक है, और नहीं है तो जरूर रखें माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान के साथ में एक फोटो या मूर्ति जरूर रखें, क्योंकि ये जगत के पालनहार हैं। जिनके घर में ये रहती है उनके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, सकारात्मकता बनी रहती है। इनका दर्जा हमारी जिंदगी में माता पिता का होता है, तो माता पिता की तस्वीर हमेशा घर में जरूर रखें, और लक्ष्मी मां की फोटो हमेशा विष्णु भगवान के साथ में ही रखें। और जब ग्रहण काल खत्म हो जाता है तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को एक कटोरी में, एक थाली में रख लें, एक कटोरी में आटा रख लें, एक कटोरी में चावल रख लें, और एक कटोरी में उड़द की दाल रख लें। इन सब चीजों को हाथ में लेकर के माता लक्ष्मी से विनती करें कि ग्रहण काल का जो भी अशुभ फल है वो हमारे और हमारे परिवार में कभी ना आए, हमेशा शुभ फल प्राप्त हो। ऐसी विनती कर लें, अपने कुल देवता का ध्यान कर लें, अपने कुल देवी का ध्यान कर दें, ठीक है, और आपका घर हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहे, आपके सभी लक्ष्यों की आपको प्राप्ति होती रहे, घर के सभी सदस्य सुखी रहें, संपन्न रहें, उन्नति करते रहें। विनती करना है आपको, ठीक है। विनती करने के बाद में ये आप माता लक्ष्मी को और साथ में विष्णु भगवान को अर्पण कर देंगे। अर्पण करने के बाद में दूसरे दिन आप चाहे तो इसे किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी गरीब को आप दान कर दें इसको। दोस्तों ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन ग्रहण काल के बाद में ये दान आपकी जिंदगी बदल देगा। यथाशक्ति भी आप रख सकते हैं, आप 500 ग्राम आटा ले सकते हैं, 500 ग्राम चावल ले सकते हैं, 500 ग्राम उड़द ले सकते हैं, या 1 kg ले सकते हैं, आपकी यथाशक्ति। जितना ज्यादा मजबूत रहेगा दान, उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो ये दान जरूर करें, ये दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि की हमेशा वृद्धि होती रहेगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी, घर में कोई परेशानी है तो परेशानी टल जाएगी, क्योंकि ग्रहण काल के बाद दान जो करते हैं दोस्तों, 1000 गुना ज्यादा फल देता है। तो दोस्तों और भी मैं ऐसी जानकारी आपके सामने प्रसारित करता रहूंगा ग्रहण काल की, क्योंकि अभी 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, उसके बाद 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण है, तो ऐसी बहुत सारी मैं जानकारी आपको देता रहूंगा।
ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जानकारी यदि पसंद आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।